हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करते हैं कबड्डी के बारे में। कबड्डी में एक कप होता है जो बहुत ही खूबसूरत एक कप होता है, बंगबंधु कप। तो बंगबंधु कप क्या है, कौन सी टीम पार्टिसिपेट करते हैं, क्या ये अच्छे है या फिर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश बंगबंधु कप को ऑर्गेनाइज करते हैं। एवरी ईयर वो इस कप को ऑर्गेनाइज करते हैं। 2021 के बाद से ना अभी तक 3 एडिशन हो चुके हैं। 2024 में भी इसका अगला एडिशन होगा। देखो, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की नेशनल स्पोर्ट्स है कबड्डी। एंड मैं बहुत ही खुश होता हूँ जब देखता हूँ कोई कंट्री कबड्डी के ऊपर स्टेप लेता है। मैं टोटली बांग्लादेश की इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आई थिंक जो बाकी कंट्रीज है जिस कंट्री में कबड्डी ऐसे खेला जाता है, जैसे इंडिया में भी इस तरीके से कप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंग्लैंड वगैरह जो कंट्री है, इधर भी देखो कबड्डी खेला जाता है। देन ईरान भी ऐसा कप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अफ्रीका कंट्रीज है ना, अफ्रीका कंट्रीज पर कीनिया भी होस्ट करते हैं कुछ मैचेस कबड्डी की। मतलब ये ऑफिशियल मैचेस तो नहीं होता है, बट एटलीस्ट वो होस्ट तो करते हैं। तो आई थिंक इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए बंगबंधु कप जैसे। तो बंगबंधु कप में कितने टीम पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या है सब कुछ मैं बताऊँगा। तो 2021 में फर्स्ट टाइम हमें बंगबंधु कप देखने को मिला था, जिसमें 5 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। इस टूर्नामेंट पे ना बांग्लादेश ने जीता था। एंड जो केनिया जो टीम है ना, बहुत ही क्लोजली फिनिश किया था 34-28 की फाइनल में। मतलब ऑलमोस्ट बांग्लादेश को हरा दिया था। एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था केनिया ने। देन श्रीलंका ने थर्ड प्लेस प्लेऑफ की फिनिश किया था। देन इसके अगले एडिशन 2022 में ना, उन्होंने 5 टीम से भरा के 8 टीम के बीच में एक कबड्डी का टूर्नामेंट रखा। एंड इस टूर्नामेंट पे अगर आप देखोगे ना गाइस, तो अगेन बांग्लादेश एंड केनिया ने फाइनल तक पहुंचा। एंड जो केनिया टीम है ना, बहुत ही मैच को क्लोजली फिनिश कर लिया था। मतलब फाइनल मैच 34-31, बहुत ही क्लोज मैच था। एंड इस बार भी बांग्लादेश ने इस कप को जीता था। इराक ने इस कप को थर्ड प्लेस फिनिश किया था। देन श्रीलंका ने भी फोर्थ प्लेस फिनिश किया था। इसके साथ साथ 2023 की बात करें, 2023 के जो इवेंट्स है ना, इसमें हमें 12 नेशन पार्टिसिपेट करते हुए नजर आया था। तो एवरी ईयर ना जो बंगबंधु कप है, वो आपको टीम को एक्सपांड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमें इस कप में हमें अर्जेंटीना को देखने को मिला, चाइनीज टेपाई ने पार्टिसिपेट किया था, इंग्लैंड पार्टिसिपेट किया था, इंडोनेशिया ने पार्टिसिपेट किया था, नेपाल ने पार्टिसिपेट किया था, पोलैंड ने पार्टिसिपेट किया था, थाईलैंड ने पार्टिसिपेट किया था। इस टूर्नामेंट को भी बांग्लादेश ने अगेन जीता था। बट दिस टाइम ना जो फाइनल है, फाइनल थोड़ा चेंज था। देखो, केनिया जो टीम था ना, केनिया ने मतलब सेमीफाइनल तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जो चाइनीज ताइपे है, उन्होंने ग्रुप बी को टॉप में फिनिश किया था, चाइनीज ताइपे एंड थाईलैंड ने। एंड इससे हमें शो करता है कि कबड्डी जो स्पोर्ट्स है ना, जितना आप किसको खेलोगे, जितना इसके ऊपर डेवलपमेंट होगा, जितना मैचेस कॉन्टैक्ट होगा ना, इतने ही ज़्यादा टीम्स को भी ऊपर जाने में मदद करेगा। इसके साथ साथ ग्रुप ए में तो देखो, बांग्लादेश ने एवरी मैचेस से जीता था, इराक ने अच्छा खेला था, इराक ऑल्सो एक गुड टीम होते जा रहा है। नेपाल, इंग्लैंड, अर्जेंटीना ने एक भी मैचेस नहीं जीता था मैं मानता हूँ, बट स्टिल दे आर पार्टिसिपेटिंग। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकते है? एक ऐसा टीम जो मतलब कबड्डी के बारे में शायद वो लोग भी नहीं जानते होंगे। चाइनीज ताइपे एक और टीम है जो अच्छे कर रहे हैं। रिसेंटली हमने एशियन गेम्स में भी देखा था कि चाइनीज ताइपे की वुमेन्स टीम ने, मेन्स टीम के साथ साथ वुमेन्स टीम ने भी बहुत शानदार खेला था। इंडिया के साथ ड्रॉ भी मैच एक फिनिश किया था। देर ला कह सकते हो कि जो ईरान टीम है ना, नेक्स्ट ईरान टीम हो सकता है चाइनीज ताइपे। इसके साथ साथ अगर हम सेमी फाइनल की बात करें, तो थाईलैंड एंड बांग्लादेश के बीच में मैच था। इस मैच को अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश ने जिससे जीता था। एंड जो सेमी फाइनल टू था ना, इसको इराक एंड चाइनीज ताइपे ने खेला था। इस मैच को भी चाइनीज ताइपे ने एक नैरो मार्जिन से जीता था। देन फाइनल मैच इजिली बांग्लादेश ने जीता था। तो तीनों टाइम अभी तक चैंपियनशिप हो चुका है, तीनों टाइम ही बांग्लादेश ने जीता है। एंड इसके साथ साथ देखो, बाकी की टीम्स भी ना धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो 2024 में देखो, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है कि कितना टीम पार्टिसिपेट करेंगे, बट मैं श्योर हूँ 12 से ज़्यादा टीम ही पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ सकते हैं। एटलीस्ट 12 टीम तो अभी नजर आएंगे ही। एंड बंगबंधु कप जो होता है ना, वो एक्चुअल में कबड्डी के लिए अच्छा है। एक्चुअली में अगर हम रियल डेवलपमेंट की बात करें, रियल टूर्नामेंट की बात करें, तो बंगबंधु कप एक बेस्ट थिंग है। आई थिंक एशिया में इंडिया भी एक ऐसे कप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंडिया कप, इंडस कप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे ईरान एक कप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, केनिया भी कर रहे हैं जैसे। एंड देन यूरोप में इंग्लैंड भी कुछ कर सकते हैं। देन अगर ऐसे तरीके से छोटे मोटे कप को ऑर्गेनाइज कराएंगे ना, तो मैं फ्यूचर में कबड्डी ब्राइट होते हुए देखता हूँ। कि कबड्डी जो स्पोर्ट्स है, मैं एवरी वीडियो में कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखता है ऐसे जो ग्लोबल स्पोर्ट बनने में। इस स्पोर्ट्स में सब कुछ है।
आपको मनी भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, आपको ओनली गुड कोचिंग चाहिए। अगर एक कंट्री एक और कंट्री को मदद करेंगे, एहन जो इंटरनेशनल फेडरेशन है कबड्डी की, टोटली तो वर्स्ट है, मैं कह के थक चुका हूँ। अगर वो अपनी काम को ठीक से करेंगे ना गाइज, मैं एक से कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 ईयर लगेगा कबड्डी को पॉपुलर बनने के लिए। यस, 5 to 6 ईयर ओनली लगेगा। तो आप क्या समझते हो इसके बारे में, नीचे जरूर कमेंट पर बताना। तो मिलते हैं इस फ्यूचर के एक और वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, बाय।